शनि से ही हमारा कर्म जीवन संचालित होता है। दशम भाव को कर्म, पिता तथा राज्य का भाव माना गया है। एकादश भाव को आय का भाव माना गया है। अतः कर्म, सत्ता तथा आय का प्रतिनिधि ग्रह होने के कारण शनि का स्थान महत्वपूर्ण माना गया है। शनि देव को न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है और यही वजह है कि भगवान शिव ने शनि देव को नव ग्रहों में न्यायाधीश का काम सौंपा है। शनि धाम मंदिर जाटखेड़ी होशंगाबाद रोड पर अपने आप में एक सिद्ध मंदिर है और यहाँ पर हर मंगल और शनिवार को भक्तगणों का तांता लगा रहता है शनि देव की पूजा करने के लिए और उन पर तेल चढ़ाने के लिए। ऐसा माना गया है कि यहाँ पर तेल चढ़ाने से भक्तों की पीड़ा कम होती है और शनि देव की कृपा बनती है। जी हमें बताएंगे कि इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई। जी नमस्कार। ये जगह मेरे पूज्य दादाजी जवाहर सिंह जी ने 1978 में खरीदी थी खेती की। अभी और पुराने समय से जब भी खेती किया करते हैं तो मंदिर की स्थापना की जाती तो उसी तरीके से इसकी शुरुआत हुई। मेरे दादाजी 1984 में शांत हो गए थे। उनकी आखिरी इच्छा थी यहाँ पे अच्छा सा मंदिर बन जाए। मेरे चाचा जी हैं वो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं तो इसी तरीके से फिर मंदिर की स्थापना चालू करके फिर हम लोगों ने पूजा अर्चना और यहाँ पे हनुमान जी के भंडारे, बाद में फिर शनि महाराज की स्थापना के बाद शनि महाराज के भंडारे और इसी प्रकार से धीरे धीरे नवरात्रों में माता जी के भंडारे करना प्रारंभ किए। इस मंदिर में मुख्य रूप से तो हनुमान जी का मंदिर है, उसके बाद शनि महाराज की स्थापना की गई, उसके बाद माता जी की स्थापना की गई और सबसे आखिर में भैरव बाबा की स्थापना की। शनि धाम में प्रतिदिन प्रातः और संध्या के समय शनि महाराज की आरती होती है। शनि धाम पर हनुमान जी महाराज की एक प्राचीन प्रतिमा है जो कि दक्षिण मुखी है और यहाँ पर हर मंगलवार को भक्तगण आके हनुमान जी से आशीर्वाद लेते हैं। हमारे साथ मंदिर के पंडित जी हैं भूपेश मिश्रा जी और ये हमें बताएंगे कि हनुमान जी की स्थापना और महत्व इनका क्या है। तो हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत प्राचीन मूर्ति है, बहुत सिद्ध मूर्ति है। दक्षिण के हनुमान जी हैं, जो भी कार्य यहाँ किया जाता है वो सिद्ध होता है। हनुमान जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शनि धाम पर हर शनिवार को यहाँ भक्तगण बड़ी तादाद में आकर शनि देव को तेल चढ़ाते हैं। शनि धाम मंदिर जाटखेड़ी होशंगाबाद रोड पर कई सालों से भक्त आ रहे हैं और इसी संबंध में हमने कुछ भक्तों से बात करी। आइए हम आपको सुनाते हैं कि भक्तों का क्या कहना है शनि धाम मंदिर के बारे में। डॉक्टर मिश्रा हमारे साथ हैं और डॉक्टर मिश्रा जो है शनि धाम पे रेगुलर आते हैं। आप बताएंगे कि क्या आपको लाभ हुआ है शनि धाम पे आने से। बेसिकली हर शनिवार मेरी माँ कहा करती थी कि शनि देव को जो याद करता है वो सारे दुखों दर्द से दूर रहता है और मेरे को यहाँ के बहुत ही अलग शांति महसूस होती है। एक तो मैं हनुमान जी का भक्त भी हूँ तो दोनों के दरबार एक जगह मिल जाने पर मेरी खुशी तीन गुना हो जाती है। हमारे साथ सचिन जी हैं जो शनि धाम पे हर बार हर समय और रेगुलरली आते रहते हैं। तो सचिन जी आप मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे हमें। मंदिर के बारे में बहुत ही प्रसिद्ध और सिद्ध मंदिर है शनि महाराज जी का और मैं जब से आ रहा हूँ तब से मुझे लाभ ही हुआ है मालिक की कृपा से। पहले मेरा काम धंधा बिजनेस जो भी था वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था, है ना।
और काफ़ी परेशानियां थी मेरे जीवन में, जिसका समाधान मेरे पास यहां आने से हुआ है। माता रानी की प्रतिमाएं यहां पे एक अलौकिक रूप निखारती हैं और प्रदान करती हैं। नौ दुर्गों के दिनों में यहां पर भंडारे और पूजाओं का आयोजन किया जाता है, जो अपने आप में एक भक्ति का माहौल बनाता है और एक शांति प्रदान करता है। और ये हिंदू संस्कार का बहुत ही अच्छा कार्य है, सनातन धर्म को आगे से आगे ले जाके हमारे लोगों के बीच इसको बढ़ाएं, इसको प्रमोट करें, और इससे अच्छा कोई कार्य नहीं हो सकता। धन्यवाद मैम जी, आपने बड़ी सुंदरता से हमें मंदिर के बारे में, उसकी स्थापना के बारे में बताया, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि यहाँ पर भक्तगण जो हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी करें और उनको मन वांछित लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू संस्कार एक प्रयास है सनातन धर्म, वैदिक संस्कार और पद्धतियों को आज के परिवेश में एक अत्यंत सरल और सुंदर रूप से प्रस्तुत करना और जीवन में एक अटूट शांति का संचार लाना। धन्यवाद दोस्तों।